गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं हम बॉम्बे। और एक मिनट, ये जो सवाल पूछ रहे हैं इनको पहले दिखा दूं मैं। हमारी चैनल में आप सबका स्वागत पहले है। पहले तो गुड मॉर्निंग वो सुनाई नहीं उन्होंने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप बहुत गोरी लग रही हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? गोरी लग रही हूँ। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ये मुझे लग रहा है कैमरे का कमाल है। कैमरे का नहीं, कुछ तो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो गई, मुझे पिगमेंटेशन हो गया, तो मैं आज डॉक्टर को पूछूंगी कि मुझे क्यों। डॉक्टर के जा? अच्छा, इसलिए आज हम डॉक्टर के अभी जाएंगे। ये वक्त आपके सोने का है, आपको बहाना रहता है। और तुमने भी बोला है कि हम इस्कॉन जाएंगे, अगर तुम भूले नहीं हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस्कॉन जाएंगे। ये तो नहा धोकर तैयार है। मैं जल्दीबाजी में था और लेट उठा था, तो बस अभी तैयार हो गया हूँ। मैं भी मस्त, देखिए टोपी वोपी लगा के, लग नहीं रहा कि मैं नहाया नहीं। और अभी जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, कुछ टेस्ट कुछ चीज़ें बाकी हैं तो वो करवाने के लिए जा रहे हैं। और इस्कॉन भी देखते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आज ही जाएंगे या कब जाएंगे। क्या कर रही है? इतने सारे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है स्किन का यार। स्किन तो चेहरे पे पिगमेंटेशन नहीं। दो नए प्रोडक्ट खरीदे हैं, डॉट एंड की के हैं, तो मैंने कल से यूज कर रही हूँ। अब देखते हैं कि इनका क्या असर आता है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। चेहरे पे तो इसका असर दिख रहा होगा, पिगमेंटेशन पे लगा कर। नहीं, चेहरे पे नहीं है मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ गले में हो रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो कितना सनस्क्रीन लगाऊंगा। ज्यादा बातें मत कर, जल्दी चल भाई, लेट हो जाएंगे। मैं बहुत ओवर ड्रेस लग रही हूँ ना। एक्चुअली मैं मोटी नहीं हुई, बट मुझे कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, तो मैं बहुत लूज कपड़े पहन रही हूँ। मुझे तो गौरव के कपड़े भी फिट नहीं आ रहे। जा रही हो? यार 9:30 हो गया, मेरी आज फास्टिंग है, मुझे टेस्ट है, मैं 1 बजे तक भूखे रह गया। तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे पे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमने फाइल और पानी की बॉटल? हाँ, फाइल रख ली। ये देखो, आओ 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 आओ। और ये फाइल, ये देखो, ये रही फाइल, रख ली मैंने फाइल। ठीक है, रख ली फाइल। किससे लग जाते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह मेरा शेयर मार्केट शुरू हो जाता है, तो थोड़ा बहुत। मैंने बोला था ना आज नहीं करना। चलो खैर, पानी की बॉटल रख लो जल्दी से, मैं बैग लेकर आ रहा हूँ, फिर हम नीचे निकलते हैं। बाय। अरे तुम इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो सुबह सुबह? हैं? अच्छा, 2 घंटे भूखा रहना है तुमको, तो मौन व्रत धारी कर लिया है क्या? अरे लो, ये तो रास्ता भी पूरा जाम है। ये बॉम्बे में एक तो हर जगह जो खोद देते हैं ना, ये देखो कैसे जाएगा इंसान। चलो थोड़ी सी जगह तो छोड़ के। अरे भैया, इनकी क्या किया जाए बताइए, समझदारों का। मैं पागलों की तरीके 1 घंटे बैठ के रोड निहारते हुए आई हूं। 20 मिनट में आ गया यार, ऐसा ना बोलो। वही तो, तुम्हारी तो बातें ही खत्म नहीं होती, वो भी बेकार की बातें हैं। आज तुमको वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। और पार्किंग, ये बस यहीं पे रोक दो, यहीं पे रोक दो। ये पार्किंग का हमेशा का लोचा रहता है। लो आ गया तुम्हारा फोन, चलो तुम कंटिन्यू करो। वो सामने भी पूरा उन्होंने खोद दिया है, तुम वहाँ पर भी पार्क नहीं कर सकते अब। चलो खैर, तुम यहाँ पर ही उतरो। चल और देखते हैं ऊपर। तुम ये सुबह सुबह डॉक्टर क्या थी? ये ग्लूकोज पिला रहा है मुझे, ढेर सारा ग्लूकोज पिला रहे हैं। टेस्ट है, और मुझे 2 घंटे तक कुछ भी खाना पिला नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय। तो जब इतना मीठा पी लोगी तो खाने की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भूख नहीं लग रही, लोगों को टेस्ट नहीं करा सकता ना मैं। मुझे चाय पीनी है। चाय पी सकती है? नहीं, तुम्हारे चाय के अरमान कुछ नहीं। अब 2 घंटे भूखे रहो मीठे पर। तुम भी भूखे हो गए 2 घंटे। मैं तो भूखा रहूंगा भाई, इतना सुबह इतना मीठा पिला दिया, वो ग्लूकोज मुझे उल्टी हो गई और मुझे बहुत चक्कर आ गया। और आज टेस्ट के पैसे भी वेस्ट करवाती है और टेस्ट भी नहीं हुआ। अब दोबारा है तो अभी देखिए, खाने आ गए हैं रेस्टोरेंट में, अब खाओगे तो ठीक हो जाएगी। देखो मुस्कुराहट आ गई खाने के नाम पर। तो मैं सुबह से भूखी हूँ यार, इसलिए मुझे चाय चाहिए। मुझे चाय भी प्लेट पे, तो पानी आ गया। ये इनके चल ही रहा है कोई ना कोई सवाल जवाब, खराब हो गई है तबीयत उसके बावजूद। क्यों इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही है? अरे इनके यहाँ बीच में पानी खत्म हो गया था अगस्त कैफे में, तो फिर वो लोग हमें उस पे देते थे यार प्लास्टिक के, उसमें फील नहीं आता था। मैंने भाई पूछा कि पानी शुरू हो। चलो खैर, खाने का नाम सुनते ही चेहरा तो ठीक लग रहा है, अब खाने के बाद देखेंगे कि क्या होगा। अभी आ गई है कॉफी, बोले 1/2 लाते कौन पीता भाई? है? नहीं, मुझे ज्यादा कॉफी नहीं चाहिए, मुझे कॉफी से भी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। लेकर पास्ता, इससे ही खा लेंगे, प्यार बढ़ाएंगे। प्यार तो बढ़ गया, अब 3 साल हो गए प्यार बड़े बड़े। ठीक है,
तो ये है आज की डिश। मुझसे ना अभी बोला भी नहीं जा रहा है शायद, मुझसे तो पूछा भी नहीं गया ना कि क्या खाओगे, बोला सीधे ऑर्डर कर दो पास्ता, वो भी पिंक सॉस। फटाफट कुछ खाना था मुझे, एकदम अजीब सा खाओ 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 फटाफट खाओ, ये बात खाओ। खा रही हूँ ना मैं ये सब, डालूंगी उसके बाद खाऊंगी। आ रहा है, तुम तो कहते मैंने अपनी मर्जी से ऑर्डर कर दिया तो तुमको तो मजा नहीं आ रहा होगा। अभी ये है कि तुम्हारी खुशी मेरी हर खुशी, तभी खुशी दिख रही है कि देखो इनकी चम्मच में देखो कितनी कितना ज्यादा ज्यादा ये खा रहे हैं और बता रहे हैं खुशी है ना। बहुत ही कमाल है, मुझे ये जगह भी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो गई लेकिन मुझे घर नहीं जाना है, मुझे और कहीं जाना है। तबीयत ऊपर नीचे होती है, घर जाकर आराम किया जाता है, तुमको आराम करना नहीं है। मैं सोच रही हूँ हेयर कट ले लेती हूँ, क्या बोलते हो? बट और मैं 10-15 दिन के बाद घर से ज्यादा निकल भी नहीं सकती, आज डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है। राजश्री ने बोला था कि उसको घर जाने का मन नहीं है और हेयर कट लेने का मन कर रहा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं बाल एकदम चॉप कर दूं, छोटे कर दूं या उतने ही रखूं। ये अच्छा लगेगा, शॉर्ट भी अच्छा लगेगा, तुम देख लो भाई। एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ ना, अभी किसी कैरेक्टर में तो हूँ नहीं, देखते हैं वो कट होने के बाद पता चलेगा। और इनको देखा देगी, मैं भी हेयर कट करवा रहा हूँ, हमारे स्टाइलिश हमारे साथ हैं। हाय, तो अरुण जी, मेरे बाल तो अभी छोटे हो गए लेकिन इनकी स्टाइलिंग बची है जो अरुण जी करेंगे। और गौरव को देखो, गौरव कलर भी कराओगे अब तो? भाई बैठे बैठे हालत खराब हो गई, ये कलर जो करवाए हैं इसमें इतने का सब केवल हेयर कट के लिए आए थे, अब कलर भी शुरू हो गई, सारी चीजें हो गई। और देखो मैंने सारे बाल चॉप करा लिए। हाँ ये तो अच्छे भी लग रहे हैं तुम्हारे, ये बाल ये खोल कर, अरे 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 ये तो पूरा मतलब मीना कुमारी बन गई है भैया। मीना कुमारी ऐसे नहीं करती थी ऐसा। तो मैं तो इंतजार में हूँ कि कब बाल धुले, मैंने अपने ये भी सेट करवा लिए है, आप मैंने जानबूझ के फोन ही कराई है क्योंकि खुले बाल नहीं रखते हैं ऐसे टाइम पे। उफ ये और इनकी बातें देख सकते हैं, ये मानी नहीं बिना बाल खोले, तब बोली कि इस वक्त बाल बंदे रखते हैं, अभी खोल के क्या, उफ उफ कौन सी कंपनी का ऐड कर रही हो। नहीं लेकिन वाकई मैं ये सैलो में मतलब पहली बार मैंने तो ट्राई करने आया हूँ, और लेकिन मुझे लग रहा है मैं छोटे वालों में अच्छी नहीं दिखूंगी, पर मुझे लगता है मैं ठीक दिख रही हूँ। दिखा तो दो, अब इतना टाइम लगाया है तो सुनो। ये बाल मेरी जुल्फें एकदम कट के तैयार हो चुकी है, हालांकि मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया अभी, प्रोडक्ट का अवॉइड करता हूँ, बट बड़े ही बढ़िया काटे हैं। तो ये है हारून भाई, फिर से नाम गलत, हारून बोलो, हारून हारून सिद्दीकी उनका। सलोन है अंधेरी वेस्ट शास्त्री नगर लोखंड वाला एचएनएफ सलोन। एचएनएफ, अगर आप बेहतरीन स्टाइलिंग चाहते हैं मेरी तरह तो आपको आना होगा अंधेरी, और मेरी तरह ये काम भी खत्म हुआ, चलते हैं और आगे की तरफ। बाय बाय। फाइनली अब हम घर आ गए हैं और इतने थक गए थे कि बीच में कुछ भी शूट करने का मन तो नहीं हुआ, इसलिए शूट भी नहीं किया। और हम वापस से खाने चले, एक सेकंड, खाने चले गए थे मालगुड़ी, अनुज आ गया था गौरव का दोस्त, फिर हम वैसे शूट नहीं कर पाए। एनीवे बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे, बहुत हेक्टिक दिन था, लेकिन हमें ये हेक्टिक दिन पसंद होते है ना गौरव, क्योंकि हम ग्वालियर में पसंद है, ग्वालियर में थे तो हम मुंबई को मिस कर रहे थे। कुछ तो खूबी है मुंबई में, कुछ तो है यहाँ की हवाओं में, ज्यादा बात करने की जरूरत। चलिए शब्बा खैर, बाय बाय, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, आप सब भी अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक देखते रहिए। एक सेकंड में वापस नजर आ जाऊँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, सॉरी फॉलो भी, बाय बाय, टेक केयर।